कॉक वाइजमैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इसके बारे में बताया आपको, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि निरंतर नहीं होती बल्कि क्या होती है, अनियमित होती है। कैसे होती है उसको डायग्राम के माध्यम से दिखाया है, उसी नुमा होती है। आप तत्काल में यदि एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लें, बोलो समय लें टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या लें पब्लिक एक्सपेंडिचर पी, कैसा मिलेगा हमको, इस तरह से हमको मिलेगा सीढ़ी नुमा यानी कहानी, पहले यहां होगी, यहां से यहां आएगी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ जी एच आई जी। इस रूप में इकोनॉमी में जो सार्वजनिक व्यय है वो बढ़ेगा, क्या देख रहे हो अनियमित, यहां पर है समय अनुकूल नहीं है बढ़ जाता है, वो बढ़ा हुआ कुछ समय तक रहता है, फिर क्या होता है नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर क्यों ऐसा होता है, क्यों, इसलिए पिकॉक वाइजमैन ने कहा होता क्या है कि जब भी समय शांति का नहीं होगा तो ऐसी दशा में जब एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है कर लगाती है, तो कर लगा करके वह क्या करती है बढ़ा देती है, इस समय तक चला बी से सी तक, फिर यदि समय शांति का आया तो सारे कर समाप्त नहीं किए जाते बल्कि कुछ कर क्या होते हैं लगे रह जाते। इसलिए इकॉनमी में जो कुल सार्वजनिक व्यय है अपने पूर्व की स्थिति में नहीं आता बल्कि कुछ बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक यही क्रम लगातार चलता रहता है, और जो सार्वजनिक व्यय है उसका व्यय सीढ़ी नुमा मिलता, जो ट्रेंड मिलेगा हमको सीढ़ी नुमा मिलेगा, बढ़ते जिग जैग अनियमित अनियमित वृद्धि होती है। ठीक है, आपातकाल की जब भी स्थिति होगी तो टैक्स जब भी लिया जाए, जैसे मान लो यदि शांति का समय टैक्स बढ़ा दिया जाए तो लोग क्या करेंगे, विरोध कर सकते हैं, लेकिन यदि आपातकाल की स्थिति है उसमें विरोध नहीं होता, जितना टैक्स लगाना चाहे गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन उस स्थिति के बाद आपातकाल की स्थिति बाद फिर सामान्य स्थिति होगी तो टैक्स कम किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होता जितना इम्पोज किया गया, इसलिए ऐसा हमको मिलता है पिकॉक वाइजमैन। दूसरा एक और डायग्राम है जिसको मसग्रेव ने दिया था, मसग्रेव मसग्रेव एंड मसग्रेव का है, यहां मान लो हम लिख लें पीस का टाइम है शांति, यहां क्या है युद्ध की स्थिति है, ठीक है, और यहां युद्धोत्तर काल युद्ध के बाद शांति हुई, इस इकॉनमी में युद्ध का समय है और युद्ध के बाद युद्धोत्तर काल आफ्टर वार, पीस पीरियड वार पीरियड एंड आफ्टर वार पीरियड, तीन पीरियड हो गया। मान लो सार्वजनिक व्यय कुछ इस रूप में है, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से मसग्रेव और मसग्रेव ने समझाने का प्रयास किया है, इसको समझने का प्रयास करें। एक पाथ हम ले लें इसको ए
बी और यहां मान लें सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि सामान्य स्थिति है तो ए डी एस के रूप में सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। सार्वजनिक व्यय क्या होगा समय के साथ, अरे शांति, यदि पीस पीरियड है, वार पीरियड है और पोस्ट वार पीरियड है, पोस्ट वार पीरियड आफ्टर वार है पोस्ट वार पीरियड को, तो समय क्या होगा, अभी समय क्या, समय बढ़ रहा है ना, समय बढ़ रहा है, समय के साथ क्या होगा, यदि ये स्थिति है ये पॉइंट पर है एक परिस्थिति, तो क्या होगा समय के साथ क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी। ये कांस्टेंट रेट से एक्सपेंडिचर क्या होगा बढ़ता जाएगा, यानी ए डी एच की स्थिति होगी। यदि सामान्य स्थिति है तो कोई वार नहीं है तो ओके, लेकिन मान लिया मस्करे ने कहा कि यदि वार की स्थिति आ जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर तत्काल से इतना बढ़ जाएगा, इतना वृद्धि होगी, किसकी वजह से वार, ए से बी की वृद्धि वार की वजह से हुई, और पूरे वार के दौरान वार पीरियड में यही क्या होगा ये चलता रहेगा बढ़ता जाएगा यहां सी पॉइंट पर, फिर यहां से यहां मूव करेगा, ठीक है, वार पीरियड है पूरा का पूरा। उसके बाद अब ध्यान दो, जैसे ही वार समाप्त होता है पोस्ट वार की स्थिति में पब्लिक एक्सपेंडिचर का पाथ क्या होगा वो हमको तय करना है। एक पाथ क्या है, एक पाथ हमको मिल रहा है सी जी का नंबर वन, नंबर टू मिला हमको सी ई एफ, और नंबर थ्री पाथ है सी डी एच। हमको ये देखना है तो वास्तव में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, सी जी के रूप में होगा, सी ई एफ के रूप में होगा, या सी डी एच के रूप में। बात समझ में आ रही है, ध्यान दो, सी जी की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि क्या है वार के समय का है वो बढ़ता जाएगा, ये संभव नहीं है, विरोध होना शुरू हो जाएगा पोस्ट वार। सी डी एच के रूप में भी नहीं होगा क्योंकि जो टैक्स लगाए गए हैं वार पीरियड में सारे टैक्स समाप्त हो जाएं ऐसा नहीं, क्योंकि लोग टैक्स देने से क्या होते हैं एक हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है, तो सी डी एस के रूप में भी नहीं होगा। मस्करे में कहा होगा क्या, वास्तव में जो परिसर का जो पाथ होगा वो होगा सी ई एफ होगा, ये पाथ होगा, यानी इकॉनमी में इकॉनमी जो पोस्ट वार पीरियड है युद्ध काल के बाद इकॉनमी में क्या होगा सी, यानी पहले घटेगा लेकिन पुराने पर नहीं आएगा उसके बीच में, और फिर वो बढ़ता जाए क्रमशः ग्रेजुअली बढ़ता जाए। तो मस्करे ने कहा कि जो वास्तविक स्थिति है सार्वजनिक व्यय के बढ़ने की पोस्ट वार पीरियड में, जो उसका पाथ होगा जो उसका इस पर मूव करेगा वह सी ई एफ के रूप में, ओके, ये कहा था मस्करेव एंड मस्करेव ने इस बात को समझाया था। उसके बाद हम एक और टॉपिक जिसको आपको समझना चाहिए आप नोट कर लीजिए, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या पढ़ना हम लोग को, आपने पढ़ा है मुझे लगता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के नियम,
यानी सरकार को सार्वजनिक व्यय किन नियमों को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए, वास्तव में एक तरह का क्या है, एक तरह का वो उनको दिशा देते हैं, सरकार को दिशा देने वाले नियम कि सरकार जब भी व्यय करे तो इन नियमों को ध्यान में रखे, तभी सार्वजनिक व्यय समाज के लिए देश के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। नंबर वन नियम क्या है, उसको बोलते हैं कैनन ऑफ बेनिफिट, लाभ का नियम, लिख लो कैनन ऑफ बेनिफिट। नंबर टू कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी लाभ का नियम और मितव्यता का नियम। नेक्स्ट कैनन ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन संस्तुति, यानी कोई कोई अथॉरिटी क्या हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी किया जाए उसको क्या हो, सैंक्शन करे, अनुमोदित करने वाली कोई संस्था, कुछ होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए, सैंक्शन कैनन ऑफ सैंक्शन। बताओ जी, बोलो क्या होता है, हाँ कोई सैंक्शन सैंक्शन, हाँ क्या होता बताओ, तो क्यों पूछ रहे थे, नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो कैनन ऑफ सरप्लस, अतिरेक का नियम, कैनन ऑफ सरप्लस। उसके बाद लिखो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, लोच का नियम। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का नियम। नेक्स्ट कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का नियम। कितने लिखा, इसको हमेशा याद रखिएगा, पहला जो लिखा कैनन ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, लाभ का नियम, यानी सरकार जब भी व्यय करे तो क्या होना चाहिए, वह उस व्यय से समाज को अधिक से अधिक एडवांटेज मिलना चाहिए, वो लाभदायक होना चाहिए सोसाइटी के, वह बेहतर। दूसरा कैनन ऑफ इकोनॉमी, सरकार क्या करे, मितव्यता के साथ खर्च करे, ऐसा नहीं है सरकार का व्यय क्या हो, करते जाए क्या करे, मितव्यता के साथ खर्च करे, मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कैनन ऑफ सैंक्शन, यानी जो भी सरकार व्यय करे वह अनुमोदित होना चाहिए, उसका अनुमोदन होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखो जब भी जो बजट आता है क्या होता है, बजट अनुमोदित किया जाता है, पास किया, बिना बजट को पास किए लागू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कैनन ऑफ सरप्लस, अतिरेक भी उत्पन्न हो उससे, ठीक है, अतिरेक उत्पन्न होना चाहिए ताकि इकॉनमी में री इन्वेस्टेबल जो सरप्लस है वो बने, इकॉनमी आगे की ओर मूव कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आपने लिखा कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, यानी सार्वजनिक व्यय क्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाए, आवश्यकता अनुसार घटाया जाए, इलास्टिसिटी हो, ऐसा नहीं है कि रिजिड हो, जितना फिक्स हो गया वो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि क्या इलास्टिक होना चाहिए, आवश्यकता हो बढ़ा भी दें, आवश्यकता हो तो कम भी कर दें,
कम और अधिक आवश्यकता अनुसार किया जा सके। फिर नेक्स्ट लिखा है कैनरा प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से मिलती थी। कैनरा बेनिफिट में वास्तव में क्या प्रोडक्टिविटी, यानी अधिक उत्पादक होना चाहिए, ठीक है। कैनरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत एक हम कहें कि मेजर एक फंक्शन है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच हम लोगों ने पढ़ा, वितरण शाखा पब्लिक फाइनेंस का, यानी जो भी व्यय है सार्वजनिक व्यय इस तरह से किया जाए ताकि जो समाज में आय वितरण की असमानता है वो क्या हो, वो कम से कम इस तरह से व्यय किया जाए। नेक्स्ट आपने लिखा है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना चाहिए। यदि जो भी व्यय किया जा रहा है तो कई लेवल की यदि सरकार है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समन्वय बहुत जरूरी। और प्रायः देखा जाता है कि समन्वय के अभाव में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यदि बेनिफिट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट जो बॉडीज हैं उनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर ध्यान दो, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे लेकिन पहले नोट कर लीजिए। नंबर वन, इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभाव। पहला प्रभाव क्या होगा, सार्वजनिक व्यय का उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभाव। नंबर टू, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। दो तीन वर्ड हम प्रयोग करेंगे इसको समझने के लिए। एक तो हम बात करेंगे कि यही सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है तो रोजगार की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बचत करने की क्षमता और बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बस समझ, क्षमता और इच्छा दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है हमारी क्षमता हो, क्षमता हमारी हो, जैसे मैंने बार बार आपसे कहा कि हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, जब मैं इंडियन इकॉनमी पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि भारतीय किसानों में कृषि क्षेत्र में निवेश करने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं। और एक जगह और कहा कि भारतीय किसानों में जो जो टिनेंसी के माध्यम से फार्मिंग हो रही है, कई सारे टिनेंट्स में निवेश करने की क्षमता होती है लेकिन वो डर के मारे क्या करते हैं, वो क्या है? इच्छा उनकी नहीं है, क्षमता तो है लेकिन इच्छा नहीं। क्यों नहीं इच्छा है, क्योंकि जानता है कि निवेश करेंगे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो भूमि का जो स्वामी क्या होगा, भूमि से ले लेंगे, बस समझ में आ गया। तो क्षमता होना अलग बात है, इच्छा होना अलग बात है। हमको ये देखना है कि यदि उत्पादन और रोजगार पर हम प्रभाव देखना चाहते हैं तो देखना होगा कि जो सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है उससे लोगों के कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बस समझ में आ रही है। तब हम लोग बता पाएंगे कि वास्तव में सार्वजनिक व्यय का उत्पादन और
रोजगार पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, जैसे मान लो सार्वजनिक व्यय बढ़ाया गया, सार्वजनिक व्यय बढ़ने से लोगों की कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है या बढ़ सकती है? कम भी हो सकती है। क्यों? काम, मान लो ये प्रवृत्ति आ रही है लोगों में, सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जा रहा है, लोगों में कार्य करने की इच्छा क्या हो गई? कम हो गई। उत्पादन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन सार्वजनिक व्यय ऐसा हो कि कार्य करने की लोगों की क्षमता बढ़ गई, मान लो जैसे पर्याप्त मात्रा में उनके पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, सरकार ने व्यय किया, खाद्यान्न भरपूर मात्रा में उनको मिल रहा है, वो अधिक स्वस्थ हो गए, अधिक समय तक वो काम कर सकते हैं, क्या हो गई? क्षमता, क्षमता बढ़ गई। ठीक है, और रोजगार की संभावनाएं हैं उनके पास, इच्छा भी उनकी है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी, क्योंकि रोजगार और उत्पादन का सीधा संबंध। रोजगार बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। रोजगार घट जाए उत्पादन घट जाए, इसीलिए एक साथ बताया गया। ठीक है, बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, ये भी डिपेंड करता है। यदि बचत करने की जो क्षमता है लोगों की बढ़ जाए, इच्छा बढ़ जाए बचत करने की, जैसे मान लो लोगों की लोगों को व्यय लोगों पर व्यय किया गया, सार्वजनिक व्यय किया गया, लोगों की क्षमता क्या होगी? आय बढ़ जाएगी उनकी ना, जो व्यक्तिगत आय है क्या होगी उनकी? बढ़ जाएगी। तो फिर बचत करने की क्षमता क्या होगी उनकी? बढ़ गई। अब दूसरा जो सवाल है कि क्या ऐसा होने से जो बचत करने की इच्छा उनकी बढ़ेगी या वो डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। यदि अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनका बचत करने की इच्छा बढ़ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होगा। बचत ही क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेज आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पूंजी निर्माण की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कितनी अवस्थाएं होती पूंजी निर्माण की? तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? संतोषी, बताइए। हाँ, पीछे वाले बैठ जाओ, तुम पीछे वाले, हाँ तुम बताओ।